एम्बुलेंस। गुरुगांव नाम के गांव में नायक नाम का आदमी रहता था। वो एक ऑटो चलाकर अपना परिवार चलाता था। वो बहुत नकचड़ा था और दूसरे लोगों को बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। उसके पिताजी का नाम योगानंद था। योगानंद का तबीयत बहुत खराब था तो वो बिस्तर पर लेटा रहता था। एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने कहा, सुनो बेटा, तुम ऑटो बहुत तेजी से चला रहे हो, ऐसा सब कह रहे हैं। इस तरह तेजी से ऑटो चलाना अच्छी बात नहीं होती। योगानंद खांसते हुए बोला, विपद तुझे ही नहीं बाकी पैसेंजर्स को भी हो जाएगा, थोड़ा स्पीड कम करके चला लेना बेटा। नायक बोला, अब मुझे ड्राइविंग भी आपसे सीखना पड़ेगा। मेरी किस्मत, मेरी स्पीड से ऑटो में बैठने वालों को परेशानी नहीं होती, पर आपको होती है ना। आहिस्ता चलाऊंगा तो ट्रिप भी कम ही होंगे और पैसे भी कम ही आएंगे। कम पैसे आएंगे तो घर कैसे चलेगा, जरा सोच के देखा। आपके सलाह आप ही के पास रहने दीजिए, कहकर वो चला गया। और नायक तो ऑटो को हवा की तेज से चलाता था। सामने रेलवे क्रॉसिंग हो और पटरी पर ट्रेन हो, तब भी वो नहीं रुकता था, तेजी से निकल जाता। सामने कोई गाड़ी या कार आ जाता था तो हॉर्न मार मार के उनका दिमाग खा लेता। ऑटो चलाते हुए बोलता था, ए भाई, शादी करने जा रहा है, थोड़ा तेजी से चलाना। तुमसे बोल रहा हूँ, चलाना नहीं आता है तो गाड़ियाँ खरीदते क्यों हो तुम लोग। वो लोगों पे चिल्लाता था। और अगर वो ऑटो आहिस्ते से चला रहा हो और पीछे से किसी ने हॉर्न मार दी तो उनपे भी चिल्लाता, ए भाई हॉर्न क्यों मार रहा है, मुझे क्या सुनाई नहीं देता, अरे इतनी जल्दी है तो मुझे ओवरटेक करके जाना रे बाबा, क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है, चल चल, वो कहता था। एक दिन नायक ने रास्ते के बीचों बीच गाड़ी रोक लिया। एक कार वाला पीछे से हॉर्न मार रहा था, नायक ने उसे अनसुना कर दिया। उस आदमी ने कहा, ए ऑटो वाले, इतना छोटा सा रास्ता है, इस पर तो गाड़ी पार करेगा तो कैसे चलेगा, भाई जरा गाड़ी तो निकाल। नायक बोला, ए बाबू, रास्ता छोटा है तो मेरी गलती है, मुझे यहाँ से पैसेंजर मिलता है, पैसेंजर छोड़ के जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या, अरे निकालो ना गाड़ी, ज्यादा बकबक की ना तो मार पड़ेगी। बेचारा कार वाला बहुत मुश्किल से अपना गाड़ी निकाला और वहां से चला गया। रात को तो वो हाई बीम लाइट लगाकर ऑटो चलाता था। सामने वालों के आंखों पर लाइट गिरता तो उसे गाड़ी चलाने में तकलीफ होती थी। कोई उसे इस बात के बारे में पूछ लेता तो कहता, मेरी गाड़ी मेरी लाइट मेरी मर्जी भाई, तुम चलाना छोड़ दो, कहीं लिखा है कि छोटी गली में हाई बीम नहीं मारना चाहिए, अरे चलो ना बाबा निकालो ना। एक दिन एक एम्बुलेंस काफी तेजी से जा रहा था। वो गांव में से गुजरा तो एक छोटी सी गली में नायक का ऑटो उसके सामने आया। ड्राइवर बोला, भाई ऑटो वाले जरा गाड़ी पीछे कर लो, अंदर सीरियस पेशेंट है, जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। नायक बोला, अरे इतनी जल्दी थी तो इस गली में से क्यों निकल रहे हो, पीछे जाओ और बाएं के रास्ते से निकल जाओ, वो रास्ता जरा चौड़ा है, वहीं से निकाल लो। एम्बुलेंस से उतर कर ड्राइवर ने कहा, अबे कथे, बता रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी पीछे लेता है या लगाओ तेरे को दो चार। नायक गाड़ी से उतर के बोला, क्यों भाई, एम्बुलेंस ड्राइवर है या खुद का अमेरिका का प्रेसिडेंट समझता है, मैं रोज अपना गाड़ी यही लगाता हूँ, तू होता कौन है मुझे निकालने को बोलने वाले। नायक भी ताव में आ गया और फिर दोनों में मारामारी हो गई। इतने में एम्बुलेंस में से नायक की माँ उतरी। बेटा, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम उन्हें ही एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, झगड़ा करना बंद करो और ऑटो को बाजू हटाओ। ये सुनकर नायक सुन पड़ गया और तुरंत उसने ऑटो हटा ली। फिर एम्बुलेंस तेजी से वहां से निकल गया। इसके बाद अपने ऑटो में नायक भी हॉस्पिटल के पास आ पहुंचा। वहां उसने देखा उसकी माँ। कितनी बड़ी गलती कर दी तूने, डॉक्टर ने कहा 10 मिनट पहले ले आते तो अच्छा होता, जान तो बच गई लेकिन देर हो जाने की वजह से उन्हें लकवा मार गया और एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहे। नायक बोला, मुझे माफ कर दो माँ, जब खुद पे आती है ना तब समझ में आता है आटे दाल का भाव, आज मुझे ये बात समझ में आ गया माँ, मेरी जिद के वजह से कितने लोगों को मैंने परेशान किया होगा, भगवान मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उस दिन से नायक बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाने लगा। तो बच्चों, एम्बुलेंस को रास्ता देना इंसानियत के नाते हमारा धर्म बनता है, इसी तरह सामने वाले को इज्जत देना, उनसे अच्छी तरह से पेश आना हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं। एम्बुलेंस। गुरुगांव नाम के गांव में नायक नाम का आदमी रहता था। वो एक ऑटो चलाकर अपना परिवार चलाता था। वो बहुत नकचड़ा था और दूसरे लोगों को बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। उसके पिताजी का नाम योगानंद था। योगानंद का तबीयत बहुत खराब था तो वो बिस्तर पर लेटा रहता था।
एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने कहा, सुनो बेटा, तुम ऑटो बहुत तेजी से चला रहे हो, ऐसा सब कह रहे हैं। इस तरह तेजी से ऑटो चलाना अच्छी बात नहीं होती। योगानंद खांसते हुए बोला, विपद तुझे ही नहीं बाकी पैसेंजर्स को भी हो जाएगा, थोड़ा स्पीड कम करके चला लेना बेटा। नायक बोला, अब मुझे ड्राइविंग भी आपसे सीखना पड़ेगा। मेरी किस्मत, मेरी स्पीड से ऑटो में बैठने वालों को परेशानी नहीं होती, पर आपको होती है ना। आहिस्ता चलाऊंगा तो ट्रिप भी कम ही होंगे और पैसे भी कम ही आएंगे। कम पैसे आएंगे तो घर कैसे चलेगा, जरा सोच के देखा। आपके सलाह आप ही के पास रहने दीजिए, कहकर वो चला गया। और नायक तो ऑटो को हवा की तेज से चलाता था। सामने रेलवे क्रॉसिंग हो और पटरी पर ट्रेन हो, तब भी वो नहीं रुकता था, तेजी से निकल जाता। सामने कोई गाड़ी या कार आ जाता था तो हॉर्न मार मार के उनका दिमाग खा लेता था। ऑटो चलाते हुए बोलता था, ए भाई, शादी करने जा रहा है, थोड़ा तेजी से चलाना। तुमसे बोल रहा हूँ, चलाना नहीं आता है तो गाड़ियाँ खरीदते क्यों हो तुम लोग? वो लोगों पे चिल्लाता था। और अगर वो ऑटो आहिस्ते से चला रहा हो और पीछे से किसी ने हॉर्न मार दी तो उनपे भी चिल्लाता, ए भाई हॉर्न क्यों मार रहा है, मुझे क्या सुनाई नहीं देता? अरे इतनी जल्दी है तो मुझे ओवरटेक करके जाना रे बाबा, क्यों मेरा दिमाग चाट रहा है, चल चल, वो कहता था। एक दिन नायक ने रास्ते के बीचों बीच गाड़ी रोक लिया। एक कार वाला पीछे से हॉर्न मार रहा था, नायक ने उसे अनसुना कर दिया। उस आदमी ने कहा, ए ऑटो वाले, इतना छोटा सा रास्ता है, इस पर तो गाड़ी पार करेगा तो कैसे चलेगा, भाई जरा गाड़ी तो निकाल। नायक बोला, ए बाबू, रास्ता छोटा है तो मेरी गलती है, मुझे यहाँ से पैसेंजर मिलता है, पैसेंजर छोड़ के जाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? अरे निकालो ना गाड़ी, ज्यादा बकबक की ना तो मार पड़ेगी। बेचारा कार वाला बहुत मुश्किल से अपना गाड़ी निकाला और वहां से चला गया। रात को तो वो हाई बीम लाइट लगाकर ऑटो चलाता था। सामने वालों के आंखों पर लाइट गिरता तो उसे गाड़ी चलाने में तकलीफ होती थी। कोई उसे इस बात के बारे में पूछ लेता तो कहता, मेरी गाड़ी मेरी लाइट मेरी मर्जी भाई, तुम चलाना छोड़ दो, कहीं लिखा है कि छोटी गली में हाई बीम नहीं मारना चाहिए? अरे चलो ना बाबा, निकालो ना। एक दिन एक एम्बुलेंस काफी तेजी से जा रहा था। वो गांव में से गुजरा तो एक छोटी सी गली में नायक का ऑटो उसके सामने आया। ड्राइवर बोला, भाई ऑटो वाले, जरा गाड़ी पीछे कर लो, अंदर सीरियस पेशेंट है, जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। नायक बोला, अरे इतनी जल्दी थी तो इस गली में से क्यों निकल रहे हो, पीछे जाओ और बाएं के रास्ते से निकल जाओ, वो रास्ता जरा चौड़ा है, वहीं से निकाल लो। एम्बुलेंस से उतर कर ड्राइवर ने कहा, अबे कथे, बता रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी पीछे लेता है या लगाओ तेरे को दो चार। नायक गाड़ी से उतर के बोला, क्यों भाई, एम्बुलेंस ड्राइवर है या खुद का अमेरिका का प्रेसिडेंट समझता है, मैं रोज अपना गाड़ी यही लगाता हूँ, तू होता कौन है मुझे निकालने को बोलने वाले। नायक भी ताव में आ गया और फिर दोनों में मारामारी हो गई। इतने में एम्बुलेंस में से नायक की माँ उतरी। बेटा तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम उन्हें ही एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं, झगड़ा करना बंद करो और ऑटो को बाजू हटाओ। ये सुनकर नायक सुन पड़ गया और तुरंत उसने ऑटो हटा ली। फिर एम्बुलेंस तेजी से वहां से निकल गया। इसके बाद अपने ऑटो में नायक भी हॉस्पिटल के पास आ पहुंचा। वहां उसने देखा उसकी माँ। कितनी बड़ी गलती कर दी तूने, डॉक्टर ने कहा 10 मिनट पहले ले आते तो अच्छा होता, जान तो बच गई लेकिन देर हो जाने की वजह से उन्हें लकवा मार गया और एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहे। नायक बोला, मुझे माफ कर दो माँ, जब खुद पे आती है ना तब समझ में आता है आटे दाल का भाव, आज मुझे ये बात समझ में आ गया माँ, मेरी जिद के वजह से कितने लोगों को मैंने परेशान किया होगा, भगवान मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उस दिन से नायक बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाने लगा। तो बच्चों, एम्बुलेंस को रास्ता देना इंसानियत के नाते हमारा धर्म बनता है, इसी तरह सामने वाले को इज्जत देना, उनसे अच्छी तरह से पेश आना हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं?